आचार्य ज्ञान प्रकाश जी हरिद्वार वाले हाउस में हमारे विचार आज सायंकालीन मेला में 35 सदस्य में उपस्थित आर्य समाज महिला समाज के माननीय प्रधाना जी मंत्राणी जी और मेरे दाहिने ओर उपस्थित आदरणीय माता सुमन चावला जी तथा समस्त आदि भद्र पुरुषों माताओं आज प्रातःकाल आप लोगों के समक्ष चर्चा चल रही थी कि परिवार समाज और राष्ट्र अगर सुरक्षित रखना है और संस्कारित बनाकर के रखना है, संगठित करके रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम विश्वास को जीते। जब विश्वास को जीत लेंगे और उसको विश्वस्त कर देंगे तो वहीं से ही एक सुखी गृहस्थ सुखी परिवार सुखी समाज की आधार सुधार की जाती है। आप लोग परिवार के प्रकार से समझते होंगे, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो चाहे राष्ट्र हो चाहे देश हो, ये सब ही इकाई यही है कि सभी एक गृहस्थ से ही निकलते हैं, परिवार के ही अंग होते हैं और वही जुड़ते जुड़ते जो श्रृंखला आगे पहुंच जाती है उसी को विश्व कहते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं, उसी को समाज कहते हैं। तो प्रातःकालीन सत्र में इसी के ऊपर चर्चा चल रही है और मैंने जो है विश्वास और विश्वास के बाद संवेदना और श्रद्धा और समर्पण तक की बात करी थी। इन सभी बातों पर चर्चा कर करके मैंने प्रातःकालीन सत्र का विश्राम किया था, लेकिन मैं सोचता हूं फिर कभी समय मिलेगा तो कुछ विषयों पर रखूंगा, लेकिन आज का एक अंतिम विषय लेते हैं क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है आयु, क्योंकि मेरी मान्यता ही नहीं ऋषियों की भी मान्यता ही नहीं है कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, आप भी मानते हो सभी लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि प्रथम जो सुख है उनको रोगी काया का कहते हैं और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो ये समझिए कि चाहे वो आध्यात्मिक लाभ लेना चाहे या पारिवारिक सुख भोगना चाहे या भौतिक सुख भोगना चाहे संभव नहीं। आचार्य चरक आयुर्वेद के संबंध में कहते हैं धर्मात्मा मोक्षाण आरोग्यम परम, चाहे तुम्हें धर्म का लाभ लेना हो चाहे अर्थ की पूर्ति करनी हो चाहे काम की सिद्धि करनी हो या मोक्ष की सिद्धि करनी हो, चारों प्रकार के सुखों को सिद्ध करने के लिए अगर केवल तो केवल जो साधन है वो शरीर है और शरीर भी तब काम देगा जब आरोग्य है और आरोग्य रहने के लिए ही हम नित्य प्रति परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु समस्या भले ही सामने आए लेकिन मेरे कंधे पे इतना बल दे देना समस्याओं के सामने ये कंधा बन जाए, जीवन में इतनी मजबूती देना कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और हमेशा ये प्रार्थना हम सभी मिलकर के यही करते हैं, विश्वास में ठीक होती हो। अब जिस बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए और जिस
ये ग्रंथ नहीं है, ये तो सागर। और इस आयुर्वेद रूपी सागर में गोता लगाने के लिए कोई एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। जैसे वेद परमात्मा की कृत है और वो महासागर है, उसके अंदर गोता लगाने के बाद जितनी गहराइयों में जाओगे उतने ही मोती मिलेगी। वैसे ही आयुर्वेद भी वैसा ही है, क्योंकि वो एक वेद का अंग है। उसके अंदर जितना जितना गहराइयों में जाते चले जाओगे, सिद्धांत को समझते चले जाओगे, उतना ही उसके अंदर आनंद मिलेगा, उतना ही उसके अंदर अनुभव मिलेगा। अब आयुर्वेद है क्या है? सर्वप्रथम हमें समझना यह है, आज हमारे घरों में परिवार में एक बात की भ्रांति बन गई है। भ्रांति ये बनी है कि केवल आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ है, आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा किया जा सकता है, बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन यह एक अधूरा सोच है। आयुर्वेद का अभिप्राय यह है कि हम किस प्रकार से अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमारी आ गई है तो कैसे इसका निदान करें। सर्वप्रथम हमें जरूरी है स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगर बीमारी आ गई है तो उस बीमारी का निदान कैसे किया जाए, यह आयुर्वेद का पूर्ण परिचय। माताओं, आप जानते हैं जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आज आबादी का एक या एक चौथाई से ऊपर का भाग बीमारियों से ग्रस्त है। बीमारियां कोई साधारण प्रकार की नहीं है, एक से गंभीर गंभीर है। और ये पेट की बीमारियां तो आजकल के डॉक्टर सामान्य रूप से सर्दी जुकाम पेट की बीमारियों को सामान्य लेते हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों में कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल होना, ये तमाम प्रकार की बीमारियों को वो सीरियसली बीमारी लेते हैं। आप ये सोचिए कितनी बीमारियां आज हमारे समाज के हर एक स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। यंग पीढ़ियां, युवा पीढ़ियां इस बीमारी की ग्रास बनी जा रही है। ऐसे समय में जो कि पूरा विश्व स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है और भारत सरकार नित्य नई नई योजना बना रही है, डॉक्टरों को तैयार कर रही है, मेडिकल लाइन की शिक्षा दिलवा रही है, अधिक से अधिक एम्स बनवा रही है, हॉस्पिटल बने जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जितनी तेजी से बीमारी बढ़ रही है इसके ऊपर काबू कैसे किया जाए, यह एक बहुत चिंता की विषय। एम्स बनाने से, चिकित्सालय बनाने से मैं समझता हूं कि उतना बीमारी का निदान नहीं होगा जितना कि गृहस्थ के अंदर बैठी हुई गृहिणी मां अनंत बेटिया केवल ये संकल्प कर रहे कि मैं अपने पाठशाला को आयुर्वेद के हिसाब से चलाऊंगी, अपने जीवन के हिसाब से और पश्चिम की सभ्यता के हिसाब से नहीं चलाऊंगी, उसी दिन इस देश के अंदर से निकाल लेना। समस्या तो ये है कि हम अपने पाठशाला को स्वाद के हिसाब से चलाते हैं और पश्चिमी सभ्यता का जो विकृत भोजन सड़े गले बना करके परोस दिया उसी को खिलाने और खाने में रुचि रहते हैं, इससे क्या होगा, हेल्थ कैसे ठीक होगा, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। तो मैं चर्चा करना चाह रहा था कि आयुर्वेद के संबंध में आयुर्वेद क्या कहना चाह रहा है शरीर के संबंध। ध्यान रखना माताओं, जो आपका और मेरा शरीर है ये शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका दिग्दर्शन अगर आप गहराई के साथ में करें तो इस शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर के अंदर ही पांचों भूत है। आयुर्वेद का कह रहे हैं ये पांच भूतों से ये शरीर बना है। आप लोगों ने जाना भी होगा और सुना भी होगा और बताते भी हैं कि पांच तत्व से शरीर बना है। वो पांच तत्व क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश और ये पांच ही हैं। ठोस रूप में आपने इस धरती के ऊपर दृष्टि गोचर करके देख लीजिए, जो ठोस भाग है ये भूमि का, जो खाली स्थान है ये आकाश का, जो गमन हो रहा है आवागमन का जो क्रिया हो रही है वायु का स्थान, और जो अंदर में जो हमारे शरीर के अंदर तेज है और जिस तेज के अंदर उष्णता है वो है अग्नि का हिस्सा, और जो तरल पदार्थ है वो जल का भाग। अर्थात अब किसी चीज को आप अपने शरीर के अंदर देख लीजिए कि क्या ये तत्व हमारे शरीर के अंदर है कि नहीं, तो सीधे जब आप देखेंगे तो आप अपने शरीर को ऊपर से देखिए तो ये ठोस भाग है, ये भूमि का हिस्सा है। और इस
इसके अंदर जो तरलपन है, जो शीतलता है, पानी वाला जो हिस्सा है, जल का हिस्सा है, और जो शरीर के अंदर उष्णता महसूस हो रही है छूने के बाद से गर्मीपन, उष्णता, ये अग्नि का था। और जिसके कारण आप और मैं बोलता हूं, खाली आसमान जो है ये आकाश का था, और जो मैं ले रहा हूं छोड़ रहा हूं ये वायु का प्राण है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर भी पांच प्रकार के भूत विद्यमान हैं, और इस पांच प्रकार के भूतों को, इस पांच प्रकार के तत्वों को ठीक प्रकार से रखने का, ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का नाम ही स्वास्थ्य है, और इसको विकृत कर देने का नाम ही बीमारी है, रोग है और अस्वस्थता है। ध्यान देना, आप किसी वैद्य के पास में जाते हैं, एलोपैथी वाले की बात नहीं कहते, लोग एलोपैथी वाले बुरा मान जाते हैं, जब मैं ऐसे बात कहता हूं तो उन्हें एलोपैथी वालों को महंगी शिक्षा तो मिल गई है। मानता हूं जो एमबीबीएस की प्रैक्टिस करते हैं, एमडी करते हैं, वो डॉक्टर्स बड़े ही मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है एलोपैथी के अंदर, एलोपैथी का कोई अपना सिद्धांत नहीं है। एलोपैथी का शरीर के जो दोष का सिद्धांत है, ऋतु का सिद्धांत है, या बीमारियों के निदान का सिद्धांत है, आयुर्वेद के साथ मेल नहीं। आयुर्वेद क्या कह रहा है? आयुर्वेद ये कह रहा है कि जो तुम्हारा शरीर बना है प्रकृति का हिस्सा है, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम ये देखो, ये विचार करो कि किस तत्वों में खराबी आई है, वायु तत्व में, भूमि तत्व में, जल तत्व में, या आकाश तत्व में, या वायु तत्व में, किन तत्वों में बिगाड़ आया है जिससे कारण तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा हुई। आप वैद्यों के पास जाते होंगे तो वैद्य कह देते हैं भाई आपका वायु बढ़ा, कोई वैद्य कह देता है आपका पित्त बढ़ा, कोई कहता है आपका कफ बढ़ा, कहता है कि नहीं कहता, ये बात पित्त कफ है कैसे? बात पित्त कफ ये है, आपके शरीर के अंदर तीन प्रकार के दोष रहते हैं, तीन प्रकार की प्रकृतियां होती है। प्रकृति कहते हैं उसे जो जन्म से मिली होती है, जन्म से मतलब जिस समय आप, आपका और मेरा जन्म हो रहा था, उस समय जिस समय हम मां के गर्भ में थे, उस काल में जो संयोग हुआ, संयोग के दौरान जो प्रकृति बड़े उज्ज्वल रूप में थी, अधिक रूप में थी, उस प्रकृति का जो मेरे शरीर के साथ संयोग हो गया, वो मेरे शरीर की नेचुरल प्रकृति है, उसको ना कोई वैद्य बदल सकता है, ना कोई डॉक्टर बदल सकता है, ना कोई प्रकृति का इंसान बदल सकता है, वो इंसान की नेचुरल प्रकृति होती है। किसी की जन्म से वातज होती है, किसी की पित्तज होती है, किसी की कफज होती है, ये जन्म से प्रकृति होती है। अब जब वो इंसान जन्म लेने के बाद से धरती पर आता है तो आने के बाद से किसी को शीतल पदार्थ प्रिय होता है, किसी को उष्ण पदार्थ प्रिय होता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को चरबा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है। ये क्यों होता है? होता है इसलिए है क्योंकि जो गर्भ अवस्था में जो प्रकृति का निर्धारण हो गया, उस प्रकृति के हिसाब से जब आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से जो दोषों की स्थिति बनी, वैसे आपकी आंतरिक इच्छा बनती चली जाएगी। माताओं, अब मैं थोड़ा सा बात पित्त कफ के संबंध में थोड़ा सा जानकारी देकर के पाठशाला के संबंध में मैं बात करूंगा, क्योंकि 6:30 बजे आपके कार्यक्रम की पूर्णाहुति है और संभवतः 6:02 मिनट मेरे इस मोबाइल में हो रहा है। कुछ समयों में मैं आपको एक नई बात ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि भूमिका बनाते बनाते वक्ता कुछ बार समय लग जाता है, तो उसके बाद थोड़े थोड़े विषय की प्रस्तुति दे पाते हैं। तो कहना ये चाह रहा था कि आज मैं आपको बात के संबंध में समझाना चाहता हूँ कि बात क्या चीज है, क्योंकि आपको जानकारी देना चाहिए ना। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं अमुक टेस्ट कराने का, टेस्ट कराने के लिए गए, टेस्ट हो गया, डॉक्टर आप ये नहीं समझ पाए कि मेरे अंदर क्या बीमारी थी, डॉक्टर साहब के पास में ले गए, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट पढ़ा, कहते हैं कि आपको ये समस्या। समस्या ये है आज भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जिसको
इतना आज एलोपैथी का निदान है, माना कि कुछ हद पर ये परीक्षण ठीक भी है, लेकिन बहुत खतरनाक। आप एक बार सिटी स्कैन कराते हैं, सिटी स्कैन के जो जो उसका जो है तरंगे होती है कितना खतरनाक होती है कि जहां सिटी स्कैन का मशीन बैठाया जाता है वहां पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो तरंगे मतलब जो है अगले व्यक्ति को प्रभावित ना कर सके, उतने मोटे शीशे लगाए जाते हैं, कमरे को बंद किया जाता है, अर्थात वो तरंग इतनी खतरनाक है कि आपके मस्तिष्क को विकलांग बना सकती है, अर्थात की बीमारी कर सकती है। और जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो भी मस्तिष्क को खतरनाक है। अर्थात जो एलोपैथी ने आज के समय में निदान खोज रखा है वो सारे के सारे निदान कुछ मायने में लाभकारक तो जरूर है लेकिन हानिकारक बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद क्या निदान की बात करता है? आयुर्वेद ये बात करता है वात पित्त और कफ की, जिसकी चर्चा मैंने पीछे किया था, ये वात पित्त कफ को समझना है। ये वात पित्त कफ क्या है? सर्वप्रथम जो होता है वात क्या होता है, आप लोगों ने कलम का भी लेकर कहा है, आप साथ नहीं आए होंगे, अगर आए हैं तो नोट करते चले, क्योंकि ये बातें जो मैं अब आगे बता रहा हूं आपके परिवार के लिए स्वयं के लिए बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको समझना यह है वात, वात क्या चीज है। जब आप वात को समझ जाएंगे तो आप अपने शरीर के अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको समझने में कोई देर नहीं लगेगा कि मेरे शरीर के अंदर वायु बढ़ गया है, मेरे शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया है, मेरे शरीर के अंदर कफ बढ़ गया है। इसका पता कैसे लगे कि मेरे शरीर में वायु बढ़ गया है, मेरे शरीर में पित्त बढ़ गया है, मेरे शरीर में कफ बढ़ गया है? सर्वप्रथम वात को समझिए, वात क्या है। वात शब्द का अर्थ आचार्य पाणिनि करते हैं, वात गच्छति इति वायु, जो आवागमन का कार्य करता है, गति का कार्य करता है उसका नाम वायु, जो गति का कार्य करता है उसका नाम क्या है? वायु। अब जो वात नाम की प्रकृति है, दोष है, ये दो भूतों से बनती है। कितने भूतों से? अर्थात जो आपके शरीर के अंदर जो वैद्य बताते हैं, हकीम बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर वायु बढ़ गई है, तो आप ध्यान रखना कि अगर वायु बढ़ गई है तो इस वायु के बढ़ने में दो भूत कारण है। कितने भूत कारण है? दो, एक तो है आकाश और दूसरा है वायु। कौन कौन से हैं? आकाश और वायु। अर्थात वायु के बढ़ने में आकाश और वायु का अधिक बढ़ना, अर्थात आपने वायुजन्य पदार्थों का अधिक सेवन किया है, आकाशजन्य पदार्थ का अधिक सेवन किया है, इस कारण से आपका वात विकार बढ़ चुका है। अब वात विकार बढ़ चुका है ये पता लगाने के लिए अगर वायु बढ़ा है तो आप ध्यान रखना वायु के बढ़ने में दो भूत हैं। कौन कौन से भूत हैं? आकाश और वायु, लिख लिया आप लोगों ने। अब पित्त, अगर आपके शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ा है तो पित्त दोष के बढ़ने में प्रमुख कारण होती है अग्नि और मूल कारण होता है जल। गौण कारण होता है जल, अर्थात अग्नि तत्व की प्रधानता से, उष्ण तत्व की प्रधानता से पित्त दोष बढ़ जाता है। अगर पित्त दोष बढ़ गया है तो आप समझिए कि हमने आग्नेय द्रव्य का अधिक सेवन किया है, उष्ण द्रव्य का अधिक सेवन किया है, इसलिए हमारे शरीर में एसिड या हमारे शरीर में जो है जिसको कहते हैं आप
वात है, पित्त है और कफ है, इन तीनों दोषों का निर्माण पांच भूतों से हुआ। कितने भूतों से हुआ है? पांच भूतों से। अब इनमें पांच भूतों में कौन कौन से भूत कौन कौन से दोष में उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और घटते हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर वायु बढ़ गया है तो आप क्या पता लगाओगे? बोलिए। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ गया है, वात बढ़ गया तो क्या पता लगाएंगे कि वायु नाम का तत्व जो पदार्थ है भूत है हमारे शरीर में बढ़ गया है? और अगर आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया है तो आप क्या अनुभव करेंगे? आग्नेय तत्व हमारे शरीर में अधिक हो गए। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ गया तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? वात में प्रमुख भूत क्या है? वायु। और कौन भूत है? आकाश। वैसे ही पित्त के अंदर प्रमुख भूत अग्नि है, गौण भूत आकाश है। वैसे ही कफ में प्रमुख भूत जल है और गौण भूत क्या है? भूमि। ये पांच प्रकार के भूत हो गए। अब जिसको मैं वायु अभी तक कहता चला आ रहा हूं वो वायु एक तरह की नहीं है, वो वायु पांच प्रकार। कितने प्रकार की है? पांच प्रकार। और ये पांच प्रकार के वायु हमारे शरीर में पांच प्रकार के कार्य करते हैं। और उस पांच प्रकार के कार्यों में कहीं किसी प्रकार की अगर बिगाड़ आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अमुक नाम की वायु गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? वायु कितने प्रकार की है? जैसे वायु पांच प्रकार की है वैसे पित्त भी पांच प्रकार है, वैसे ही कफ भी पांच प्रकार है। ध्यान रखना, केवल वायु के बिगड़ जाने से 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की? 80 प्रकार की। केवल पित्त के खराब हो जाने से 40 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और केवल कफ के बिगड़ जाने से 20 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। अर्थात 140 प्रकार की बीमारियों के आयुर्वेद के अंदर चर्चा है। ये तो मुख्य बीमारी है, इसके साथ गौण बीमारी बहुत ज्यादा है। अब मैं जिस बात को चर्चा करना चाहता हूं, वायु तो पांच प्रकार का है, तो कौन सा लिखिए? प्राण, अपान, प्राण लिखिए आपने, प्राण के बाद से लिखिए ध्यान, प्राण ध्यान समान उदान अपान। कितने प्रकार के हो गए? पांच। प्राण ध्यान समान उदान अपान, ये पांच प्रकार की वायु होगी। और ये पांच प्रकार की जो वायु है ये अलग अलग हिस्सों में है शरीर के। वायु तो मुख्य रूप से एक ही है, वायु तो मुख्य रूप से एक ही है, लेकिन कार्य करने की जो दिशा है और कार्य करने का जो विभाग के आधार पर इसकी पांच संज्ञा की गई। कितनी संज्ञा की गई है? पांच। पहली संज्ञा क्या है? प्राण। दूसरा, तीसरा, चौथा, अपाचवा, अपान। अर्थात जो प्राण श्वास लेने और छोड़ने का कार्य करता है, इसका नाम आप लोग समझते हैं प्राण है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं जिसके कारण आप एक प्रकार से नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसके कारण आप अधिक लाचार हो रहे हैं, उस जिसके विकृत होने से आप घुटने के पेशेंट बन गए हैं, उस वायु का नाम है अपान। अपान वायु के विकृत हो जाने से घुटनों में, कमर में, ये कंधों में दर्द होता है, हाथ उठता नहीं, कमर ठीक प्रकार से सीधा नहीं हो पाता, बैठने में दिक्कत होती है, नसों के ऊपर नस चढ़ जाती है। ये क्या करता है अपान वायु जो है, इसका
अपान वायु खाली होता है और ये अपान वायु शुद्ध प्राण वायु के साथ में संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है, ये बाहर की ओर नहीं निकलता, तो वो जाकर के मिक्स हो जाता है प्राण वायु के साथ। और जब वो प्राण वायु के साथ में मिल जाता है तो वायु कैसा हो गया? खाली। तो वो शरीर के अंदर जो संचार क्रिया हो सूक्ष्मता के साथ में गति के साथ में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है और जगह जगह पर रुक जाता है और जहां जहां पर रुकता है वहां वहां दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेदकार कह रहे हैं कि अपान वायु को ठीक प्रकार से समय पर सुरक्षित रहे, निकले और ये बढ़े नहीं, इसके लिए क्या करें? क्योंकि मैं आज भारतीय भूत के बारे में प्राण वायु के जो बात बोझ है उसके जो है अपान वायु नामक बोझ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप अधिकांश तया से जो है जानते हैं कि आप लोग ज्यादा इसके पेशेंट हैं या जो है किसी से दुखी हैं आप। ये बढ़ता क्यों? बढ़ता क्यों है? सबसे पहले मैं कारण बता रहा हूं। बढ़ता किस कारण से है? आयुर्वेदकार ये कहते हैं कि अपान वायु नामक दोष के बढ़ने के लिए सर्वप्रथम जो कारण ये है कि आपके मल विसर्जन क्रिया का ठीक प्रकार से नहीं होना, मतलब अमाशय की शुद्धि ठीक प्रकार से नहीं होना, सामान्य भाषा में समझ जाए पेट की शुद्धि ना होना, इस कारण से अपान नामक वायु विकृत हो जाती है। और इसके पीछे पेट के शुद्ध ना होने में सबसे बड़ा भूमिका आपका आहार विहार होता है। क्या आहार विहार? आहार विहार में क्या सबसे पहली चीज ये है कि आज हमारे भारतवर्ष के अंदर जो सबसे ज्यादा घुटने की समस्या, कमर का पेट जो बढ़ रहा है वो माताओं के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पुरुषों की अपेक्षा। हर जगह मैं देख रहा हूं पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? इसमें बहुत सारा कारण है। सर्वप्रथम कारण यह है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, जो व्यक्ति खड़ा खड़ा भोजन करेगा उसको अपान, उसकी अपान वायु विकृत होगी। वो कभी भी घुटने का पेशेंट बन सकता है जो खड़ा खड़ा भोजन करता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी खड़ा भोजन नहीं करना चाहिए, ना खड़े होकर के भोजन करें ना खड़े होकर के पानी पिए। अर्थात खाना और पीना दोनों के दोनों क्रिया को करने के लिए बैठना, आसन लगा करके बैठना बड़ा जरूरी है। इसलिए भोजन कर शादी नहीं तो बर्बादी करती है, शादी नहीं तो बर्बादी करती है, खड़े खड़े खा के लोग बीमार पड़ गए। तो मैं बता रहा था कि खड़े खड़े खाने से वायु जो है अपान नाम की वायु विकृत होती है, घुटने की, कमर की, जो घुटने में जो है गैप आ जाता है, ये तमाम प्रकार की समस्या उससे बढ़ती है। दूसरा कारण यह है कि आप जिस जब भोजन करते हैं तो भोजन के तुरंत बाद ही हमारे अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि फटाफट पानी पीना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं। अब पानी से जब तक छक नहीं जाते हैं तब तक पानी खूब पीते हैं, भर के पानी पी लेते हैं। आयुर्वेदकार कहते हैं भोजनांतम विषम भोजनांत विषम पानी, अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना जहर के समान है, इसके समान है। तो कभी भी भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। आचार्य चाणक्य नीति के अंदर कह रहे हैं कि भोजन के साथ में दो चार घूंट पानी लेना अमृत के समान है, दो चार घूंट, और भोजन के अंत में अगर जल पीते हैं तो जहर के समान है, और सुबह काल भोजन प्रातः काल खाली पेट भोजन पीना अमृत के समान है। अर्थात प्रातः काल खाली पेट जल का सेवन अवश्य करना
कर रहा था, ये आपको बताया कि शरीर एक प्रकृति का हिस्सा, प्रकृति का भाग है। और सामान्य भाषा में कहते यही है कि भाई अंतकत्वा तो पंच भूतों में विलीन होना है, और वास्तविकता यही है जबकि शरीर से जीवात्मा निकल जाता है जो जिसका तत्व होता है उसके पास में पहुंच जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी प्रकृति है, जो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर छह प्रकार की रुद्र होती है। कितने प्रकार की होती है? छह प्रकार। तो ये जो ऋतुएं होती है, इन ऋतुओं में दो चीज का मुख्य प्रभाव होता है। कितने चीज का मुख्य प्रभाव होता है? दो चीज का। एक तो होता है चंद्रमा का, दूसरा होता है सूर्य का। कितना प्रतिशत प्रभाव होता है? अर्थात जब चंद्रमा ब्रह्मांड के ऊपर, धरती के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है तो धरती को शीतलता आ जाती है, ठंडी हो जाती है। और जब सूर्य का प्रभाव होता है तो गर्मी आ जाती है। इसी को हम जो है भारतवासी, हमारे ऋषि महर्षि कहा करते थे, उत्तरायण और दक्षिण आयण। अर्थात जब सूर्य उत्तर की दिशा की ओर गति करता है तो दिन बढ़ जाता है, और जब दक्षिण की ओर गति करता है तो रात्रि बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। बात समझ में आ गई? जब सूर्य उत्तर की दिशा की ओर, अभी उत्तर की दिशा की ओर सूर्य चलता है, इस कारण से दिन बड़ा हो गया है और रात्रि छोटी हो गई है। अब यदि सूर्य जब दक्षिण दिशा की ओर गति करेगा तो दिन रात्रि बड़ी हो जाएगी। तो अभी के समय में इस ऋतु का नाम है बसंत ऋतु। वैशाख मास तक बसंत ऋतु रहता है। कौन सा ऋतु रहता है? बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु तक जो है जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है वो होती है कफ। किसकी बीमारी होती है? किसकी बीमारी होती है? कफ की। मैंने अपान वायु से प्रारंभ किया था, पहुंच गया कफ तक, लेकिन अब अपान वायु के संबंध में पुनः मैं पीछे आ रहा हूं, कहीं वो बात जो है अधूरी ना रह जाए आपकी। अर्थात अगर किसी का अपान वायु बढ़ जाए या अपान वायु के कारण घुटने में पेन आदि हो तो क्या करें? घरेलू नुकसान, घरेलू में क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम अपान वायु को निकालने के लिए, शरीर की शोधन करने के लिए अरंडी का तेल, अर्थात जिसके पेट में जखम हो वो अरंडी का तेल न सिर्फ। जैसे किसी के पेट में अल्सर हो, किसी के पेट में गांठ हो, या किसी के पेट में किसी प्रकार का आंतरिक जख्म आदि हो या पत्थरिया आदि हो, वो व्यक्ति अरंडी का तेल का सेवन ना करे। ठीक है, बता रहा हूं उसके ऊपर चर्चा। अर्थात वायु दोष जब बढ़ जाए शरीर के अंदर तो आप क्या करें? दूध के अंदर 5 से 10 बूंद जो है अरंड का तेल डाल करके रात्रि के समय ले लें। जब आप रात्रि के समय अरंड का तेल ले लेंगे तो सुबह दस्त हो जाएंगे। दस्त के माध्यम से जितना भी वायु है, अपान वायु है, गंदगी है, आमाशय से बाहर निकल जाए। इसलिए अरंड का तेल वायु के शोधन में बड़ा ही उत्तम है। दूसरा है हरित घी। आयुर्वेद में हरण की बहुत बड़ी महिमा है। यस्य गृहे माता नास्ति तस्य गृहे हरित घी। आयुर्वेद पंडित कहते हैं कि जिस प्रकार अपने घर में माँ अपने बेटों की रक्षा करती है, बच्चों की रक्षा करती है, और अगर बच्चा ना, अगर माँ ना हो तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अर्थात जैसे घर में माँ अपने संतान की रक्षा करती है, वैसे ही हरित घी प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक रोगियों की रक्षा करती है। किसकी? तो उसका प्रयोग करना है, ना कि अपने से। हरित घी उसकी रक्षा करती है तो उसका प्रयोग करना है। तो हरित घी का प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे क्या होगा? हरण, हरण कहते हैं यहाँ की भाषा में, क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हरण कहते हैं। हरण होती है 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की हरण होती है। एक जो होती है लक्ष्मा हरण होती है, जिसको लेते ही दस्त लग जाता है, वो हरण यहाँ पर नहीं होती, वो ईरान 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 होती है इधर के। तो वो जो है हरण, जो छोटी हरण, जंगली हरण कहते हैं उसको, उस हरण को आप लीजिए और ले करके, अगर आप मतलब जो है ज्यादा पब्जी के पेशेंट है, पब्जी से परेशान है, तो आप ऐसा कर सकते,
ना डाले और ऐसे ही भोजन करने के बाद से एक हरण का सेवन जरूर है। झारखंड जाने में तो यही दो तीन दिन का और काल मेरा थोड़ा सा खाली सा है,
आप लोगों के मन में तो रहने से बड़ा ही आनंद आया, आप लोगों ने कुछ लाभ उठाया और आभारी माता सुमन जी के हैं कि माता जी ने कहा कि आप आ जाना, तो मैं माता जी का दर्शन भी हो गया, आप लोगों का भी दर्शन हो गया इस बहाने और कुछ लाभ भी हो गया। तो आप सभी का विशेष धन्यवाद और प्रमाण जो है कि आप लोग आप सुन रहे थे आचार्य ज्ञान प्रकाश जी उत्तम हो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार वाले के विचार सुन रहे थे। मेरा उद्देश्य है कि सुखी बसे संसार सब सुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। देव धर्मवीर नाग पर इजाजत, इस तरह की सेवा लेंदे रहो। सारे मेरे देखने वाले वीरां दा बहना भरावां दा बहुत बहुत धन्यवाद।